नमस्कार, मेरा नाम प्रिशा अग्रवाल है। मैं द्वितीय एक की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा और किसान। चलो शुरू करें। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे, जिनमें वो रोज अपने खेत के लिए पानी नदी से पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था, इसलिए किसान जब भी नदी से पानी लेकर आता, एक घड़े का पानी भरा रहता था और दूसरे घड़े का पानी आधा हो जाता था। इस वजह से फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है। दूसरी तरफ दूसरे घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा पानी पहुंचाता है। इसलिए एक दिन दूसरा घड़ा फूटे घड़े से कहता है, तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार कर देते हो। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी हो जाता है। किसान उन दोनों की बातें सुनकर फूटे घड़े से कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मुझे तुम में कभी भी कमी नजर दिखाई नहीं दी। जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है, फूटा घड़ा कहता है, पर वह कैसे मालिक? किसान बोलता है, जब हम नदी से पानी लेकर आते हैं, तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। फूटा घड़ा कहता है, पर इन सब में आपका फायदा कैसे हुआ मालिक? किसान बोलता है, अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बेचने लगा हूँ, जिससे मैं और अधिक पैसा कमा लेता हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसलिए तुम आज के बाद खुद को